असलमकम अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज फोर पॉइंट टेन के क्वेश्चन नंबर एट एंड नाइन तो एट देख लेते हैं हमें क्या करना है इसमें फ़ाइंड दी वैल्यू ऑफ एल एल क्यू प्लस एम क्यू प्लस एन क्यू माइनस थ्री एल एम एन हमें जो है फाइंड करना है जबकि हमें क्या, क्या क्या गिवन है एल प्लस एम प्लस एन इक्वल है फ़ोर के और एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल इक्वल है सेवन के ये बिल्कुल हम इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेवन को सॉल्व किया था तो आइए हम क्वेश्चन नंबर एट भी सॉल्व करते हैं ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है हम वो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है गिवन हमारे पास है गिवन। जो गिवन है वो हम यहाँ लिख लेंगे हमें गिवन है एल प्लस एम प्लस एन इक्वल फोर ये हमें गिवन है और क्या गिवन है एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल इक्वल सेवन ये भी हमें क्या है गिवन है सही अब हमें फ़ाइंड क्या करना है वो हम लिख लेते हैं फ़ाइंड हमें क्या करना है फाइंड फाइंड हमें करना है एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस थ्री एल एम एन ये हमें क्या करना है ये हमें जो है फ़ाइंड करना है अब हम क्या कर लेते हैं अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन चलें ओके अब स्टार्ट करते हैं इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हम क्या करेंगे एल प्लस एम प्लस एन इक्वल है फोर के इसको हम यहाँ लिख देते हैं और फिर हम क्या करेंगे उस पर हमें जो है क्यूबिंग ऑन बॉस साइड करेंगे तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे हमें जो है फॉमूला अप्लाई करना पड़ेगा तो वो फॉर्मूला क्या है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ ठीक है इसी ब्लैक पेन से के हमें पता है या फिर हम एस वी नो डेड पर लिख सकते हैं क्या आ, क्या फॉर्मूला क्या था उसका कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल है किसके इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी फिर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ठीक है हमने क्या कर लिया है यहाँ पर जो है ये फार्मूला लिख लिया है अब हम क्या करेंगे ये वाला फार्मूला मैंने क्यों लिखा है क्योंकि उन्होंने जो है हमें आ, क्या कहता था उन्होंने हमें कहा था कि भाई आपको एल क्यू प्लस एम क्यू प्लस एन क्यू माइनस थ्री एल एम एन आपको जो है फाइंड करना है तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया अब क्या करने चाहूँगी मैं अब ये करूँगी कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ एल जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ एम और जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ मैं एन को पुट कर दूँगी अब देख लेते हैं इसको ये हो जाएगा एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस थ्री एल एम एन इक्वल फिर ये हो जाएगा एल प्लस एम प्लस एन इक्वल ए का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल एम एम एन एन एल ठीक है हमने क्या कर लिया है इसको जो है ए बी सी को एल एम एन के उसमें लिख लिया है अब हमें क्या करना है यहाँ पे अब हम ये काम करेंगे जो जो हमें गिवन है वो वो हम पुट कर लेंगे तो देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है ये तो हमें फ़ाइंड करना है तो हम ऐसे ही लिख लेंगे एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस थ्री एल एम एन ये हमें फ़ाइंड करना है ये हमने ऐसे ही लिख लिया उसके ब्रेकेट में क्या लिखा है एल प्लस एम प्लस एन है वो हमें गिवन है वो इक्वल है फोर के तो यहाँ जो है ब्रैकेट में मैं लिख दूँगी फोर उसके बाद क्या लिखा हुआ है उसके बाद लिखा हुआ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये हमें गिवन नहीं है और आगे लिखा है माइनस का एल एम माइनस का एम एन माइनस का एन एल और आप देख सकते हैं ये हमें कुछ गिवन है प्लस में तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर भी हम जो है माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जो है हम ले लेते हैं माइनस का साइन कॉमन तो एल स्क्वायर में ऐसे ही लिखूंगी क्योंकि हमें नहीं मालूम अब यहाँ क्या करूँगी माइनस का साइन जब कॉमन लूँगी तो अंदर बचेगा एल एम एम एन एन एल ऐसा ही होता है माइनस का साइन जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर के तमाम जो साइन है वो क्या होगा वो चेंज होगा मतलब पॉजिटिव होगा अब हम क्या कर सकते हैं ये देखें एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल हो गया और ये हमें गिवन है किसके इक्वल है सेवन के तो यहाँ पर जो है मैं सेवन पुट कर दूँगी तो आइए इसको सेवन कर देते हैं एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस थ्री एल एम एन ऐसी ही लिखा फोर ऐसे ही लिखा हमने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे आ जाएगा सेवन इसे अब हम कर देंगे इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन मैंने क्यों कहा है क्योंकि हमें ये फाइंड करना है फोर हमें मालूम है सेवन हमें पता है लेकिन हमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर नहीं पता तो हम क्या करेंगे पहले जो है हम फाइंड कर लेंगे क्या फाइंड कर लेंगे फोर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर तो पहले हम ये फाइंड कर लेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा वो काम हमारे पास ये है कि एल प्लस एम प्लस एन पे हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड और ये कॉलता फोर के तो हमने क्या कर दिया है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया है अब हमें मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए ठीक है अब क्या करूँगी जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ एल जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ एम और जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ जो है मैं क्या कर दूँगी एन पुट कर दूँगी तो ये हो जाएगा एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हम कर देंगे एम का स्क्वायर सी की जगह पे आ जाएगा एन का स्क्वायर प्लस टू ए की जगह एल बी की जगह एम प्लस टू बी की जगह एम आ गया फिर एन आ गया फिर टू फिर यहाँ पे क्या है सी ए है मतलब एन एल तो यहाँ पे आ जाएगा एन एल सही है एक साथ करके लिख दिया मैंने इधर अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखें हमें जो है हम वैल्यू पुट कर देंगे क्या होगा यहाँ पे है एल प्लस एम प्लस एन हमें गिवन है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे एल प्लस एम प्लस एन हमें कितना गिवन है एल प्लस एम प्लस एन इक्वल है फोर के तो हम यहाँ पे फोर लिख सकते हैं ना तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा फोर का स्क्वायर ठीक है उसके बाद है इक्वल एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं ये हो जाएगा टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल सही इसको हमने क्या कर दिया इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है अब हम क्या करेंगे यहाँ से टू कॉमन लेंगे हम टू कॉमन क्यू ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल की वैल्यू गिवन है लेकिन यहाँ पे टू भी आ रहा है तो इस वजह से हम जो है यहाँ पे टू कॉमन ले लेंगे तो फोर का स्क्वायर हमारे पास होता है सिक्सटीन इक्वल ये हो जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू कॉमन ले लिया अंदर बचा एल एम एम एन प्लस एन एल ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा सिक्सटीन इक्वल एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू इसकी जगह पुट करूँगी तो इक्वल आएगा ये सेवन के इक्वल है देख सकते हैं ये हमारे पास सेवन के इक्वल था अब यहाँ पे क्या हो रहा है टू जो है सेवन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो टू सेवन से क्या होता है टू सेवन से फोर्टीन होता है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिक्सटीन इक्वल है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर टू सेवन दोरटीन सही अब यहाँ पे क्या हो रहा है इधर जो है ये प्लस का 14 है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा तो हम इसे माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सिक्सटीन माइनस फोटीन आ जाएगा यहाँ पे इक्वल और ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ठीक है अब जब मैं सिक्सटीन में से 14 को माइनस करूँगी तो आंसर आएगा टू तो इसको मैं जो है इक्वल के उस तरफ लेके लिख रही हूँ तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन इक्वल आ जाएगा टू के अब हमने क्या कर लिया है यहाँ से जो है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया अब हम क्या करेंगे इसे इक्वेशन नंबर वन में रखेंगे जब मैं इक्वेशन नंबर वन में एल स्क्र प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जगह टू रखूंगी तो हमारे पास जो है एल क्यू प्लस एम क्यू प्लस एन क्यूब माइनस थ्री एल एम एन आ जाएगा तो हम ये काम कर लेते हैं ठीक है तो अब यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास इक्वेशन नंबर वन हमें क्या करना है फिर इक्वेशन नंबर वन में रखना है तो हम लिखेंगे कि नाव पुटिंग इन इक्वेशन नंबर वन नाव पुटिंग इन इक्वेशन वन अब हम क्या करने जा रहे हैं हम इक्वेशन नंबर वन में लिखने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमने ले ली है इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन हमारे पास क्या थी वो ये रही एल क्यू प्लस एम क्यू प्लस एन क्यू माइनस थ्री एलिमेंट ये सी है ये मैं सी ही लिख देती हूँ यहाँ पे क्या है हमारे पास एल क्यू प्लस एम क्यू प्लस एन क्यूब माइनस थ्री एल एम एन इक्वल इक्वल के बाद क्या लिखा हुआ है फोर लिखा है फोर लिखूंगी फिर ब्रैकेट बनाया ब्रैकेट करूंगी फोर लिखा ब्रैकेट बनाया उसके बाद क्या लिखा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिखा है तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे इसकी जगह हम टू पुट करेंगे तो यहाँ पर हम टू लिख देंगे फिर क्या है माइनस है फिर सेवन है फिर क्या है माइनस है फिर सेवन है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोर तो ऐसे ही हमने लिखा अब यहाँ माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस सेवन में से जब हम टू को माइनस करेंगे आंसर हमारे पास आएगा फाइव और साइन आएगा माइनस का क्यों क्योंकि साइन हमेशा वो आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है सही तो इसको मैं यहाँ ऐसे लिख देती हूँ नीचे ये हो जाएगा एल क्यूब एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस थ्री एल एम एन तो इसका मतलब ये है कि एल क्यू प्लस एम क्यू प्लस एन क्यूब माइनस थ्री एल एम एन इक्वल हो जाएगा फोर फाइव सा क्या होता है ट्वेंटी होता है ये प्लस का ये माइनस का तो प्लस माइनस 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 का ट्वेंटी और ये हमारे पास जो है आंसर आ चुका है तो आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या किया ऐसे भी हमने वही काम किया है जो हमने क्वेश्चन नंबर सेवन में किया था कि हमें जो है फ़ाइंड करना था तो हमने क्या किया वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू पुट की क्योंकि हमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर नहीं मालूम था तो हमने जो है उसको दोबारा स्क्वायरिंग और बोथ साइड करके जो है स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है उसके बाद हमने क्या किया ये एल प्लस एम प्लस एन तो हमें गिवन था एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल भी गिवन था यहाँ स्क्वायर की जगह पे जो है हमने उसको फाइंड करके वैल्यू को पुट किया माइनस किया मल्टीप्लाई किया हमारे पास जो है एल के प्लस एम के प्लस एन क्यूब आ चुका है अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर नाइन ओके तो नाइन में क्या लिखा है नाइन में हमें जो है एल स्क्वायर प्लस एम एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर गिवन है और एल प्लस एम प्लस एन गिवन है जबकि हमें फ़ाइंड क्या करना है फाइंड हमें करना था वही एल क्यू प्लस एम क्यू प्लस एन क्यू माइनस का थ्री एल एम एन हमें फ़ाइंड करना है तो हम जो है बना लेते हैं इसका जो हमें गिवन क्या क्या है गिवन हमारे पास है गिवन हमें क्या क्या गिवन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल है थ्री के ये हमें गिवन है साथ में एल प्लस एम प्लस एन इक्वल है सेवन के ये हमें जो है गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है वो हम लिख लेते हैं भाई हमें जो है फाइंड करना है एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस थ्री एल एम एन हमें जो है फाइंड करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे आप बस ये देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर एट में क्या गिवन था एल प्लस एम प्लस एन क्यू वाली गिबन थी साथ में एल एम प्लस एम एन प्लस एन वे की गिवन थी और हम जो है यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड क्या करते थे लेकिन अब हमें क्या गिवन है एल प्लस एम प्लस एन गिवन है साथ में हमें जो है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी गिवन है लेकिन हमें क्या गिवन नहीं है यहाँ पे हमें जो है एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल गिवन नहीं है इसका मतलब ये है कि जो हम क्वेश्चन नंबर वन बनाते थे ना जहाँ पे हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते थे तब हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन बनानी पड़ेगी फोर एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल के लिए काम वही है बस कुछ हल्की सी चेंजिंग है कि अब हमें जो है स्क्वायर वाले पहले वैल्यू फाइंड करते थे अब हम एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल वाली वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो है अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है हम फॉर्मूला लिख लेते हैं क्योंकि हमें एल क्यूब प्लस एम क्यू प्लस एन क्यूब माइनस थ्री एल एम एन फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला फॉर्मूला हमारे पास क्या है फॉमूला हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ठीक है हमने क्या कर लिया है यहाँ पे फॉर्मुला लिख लिया और आप मैं क्या करूँगी इसको जो है एल एम एन क्यू उसमें लिख दूँगी तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ एल जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ एम और जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ मैं एन पुट कर दूँगी तो ये हो जाएगा एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस थ्री एल एम एन इक्वल एल प्लस एम प्लस एन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस का एल एम माइनस का एम एन माइनस का एन एल ठीक है अब हम क्या करेंगे जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम यहाँ पे फुट कर देंगे तो क्योंकि हमें ये फाइंड करना था तो हम ऐसे ही लिख लेंगे एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस थ्री एल एम एन इक्वल एल प्लस एम प्लस एन हमें गिवन है सेवन के तो हम यहाँ ब्रैकेट लिख के सेवन कर देंगे ठीक है उसके बाद हमारे पास क्या है ये आ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू गिवन है उसकी जगह हम थ्री लिख देंगे लेकिन हमें जो है माइनस का एल एम माइनस का एम एन माइनस का एन एल हमें जो है नहीं मालूम तो हम क्या करेंगे उसको फिर हमें फ़ाइंड करना पड़ेगा सही तो उसके फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी हम जो है वही स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे लेकिन हम देख सकते हैं क्या कि जो स्क्वायर वाला फार्मूला था उसमें भी हमारे पास यहाँ पे प्लस की वैल्यू है तमाम ना और यहाँ तो माइनस है तो इसका मतलब ये कि हमें यहाँ पे जो है साइन कॉमन लेना पड़ेगा तो यहाँ पर जो है पहले मैं साइन कॉमन ले लूँगी तो एल स्क्र प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो हमारा गिवन है थ्री के यहाँ मैं थ्री ही लिखूँगी और उसके बाद यहाँ साइन कॉमन लूँगी माइनस का ठीक है अंदर बचेगा एल एम एम एन एन एल देखिए सेवन पता है थ्री पता है माइनस अब यहाँ क्या करेंगे हम जो है इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन करने के बाद यहाँ पे जो है हम वैल्यू फैंड करके यहाँ पुट कर देंगे यहाँ मैंने माइनस का साइन इस वजह से कॉमन लिया है क्योंकि हम जो अब फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का वहाँ पे जो है फार्मूले में यहाँ हर जगह प्लस था तो हम वहाँ जगह कॉमन लेते तो इसीलिए मैंने यहीं पे जो है कॉमन ले लिया है अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का हमने वो वाला फार्मूला अप्लाई क्यों किया है हमने वो फार्मूला इस वजह से अप्लाई किया है क्योंकि हम आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यों किया है क्यों किया है मैंने यहाँ पे क्योंकि हमारे पास यहाँ ये यह एल एम प्लस एम एन प्लस एम एल की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी और ए स्क्वर प्लस बी स्क् प्लस सी स्क् हमें मालूम है ए प्लस बी प्लस सी भी हमें मालूम है तो इस वजह से हम जो है यहाँ से फाइंड कर सकते हैं तो इस वजह से ही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हम इसको जो है चेंज कर, कर लेते हैं एल प्लस एम प्लस एन की उसमें तो यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस अब क्या करूँगी यहाँ पे मैं टू कॉमन ले लूँगी टू कॉमन क्यों लिया है क्योंकि हमें जो है सिंपल जो है एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल फाइंड करना था तो टू में डायरेक्ट ही कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे आएगा एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल ठीक है अब क्या करूं कि यहाँ जो जो हमें मालूम है वो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो एल प्लस एम प्लस एन हमें गिवन है कितना गिवन है वो इक्वल है सेवन के तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी सेवन का स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी हमें गिवन है कितना थ्री के वहाँ पर आ गया है थ्री फिर लिखा हुआ था प्लस फिर लिखा था टू और ये हमें फाइंड करना है ऐसा ही है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ सेवन का स्क्वायर क्या होता है सेवन का स्क्वायर होता है फ़ोर्टी नाइन तो हम यहाँ पे लिख देंगे फोर्टी नाइन ठीक है और आप देख सकते हैं ये प्लस का थ्री है यहाँ पे आके माइनस का थ्री हो जाएगा तो यहाँ पे बचा टू एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल ठीक है देखें ये टू प्लस का नहीं है ये टू जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि टू जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे यहाँ पे हम जो है फोर्टी नाइन को थ्री से माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर टू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई था तो बाद में हम उसको आ, यहाँ पे ला डिवाइड करेंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है फोर्टी नाइन में से जब हम थ्री को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा आंसर आएगा फोर्टी सिक्स तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख दूँगी फोर्टी सिक्स इक्वल अब देखें टू यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है चलो हम अगले स्टेप में कर लूँगे लिखा एल एम प्लस एम एन प्लस एन एम ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये टू हमें एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल फाइंड करना है टू मल्टीप्लाई का है वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ये हो जाएगा 46 सिक्स डिवाइडेड बाय टू तो इक्वल होगा एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल के सही तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं आंसर क्या आएगा तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे टू को फोर सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा टू तो टू द फोर टू थ्री सिक्स मतलब ट्वेंटी थ्री हमारे पास यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा ठीक है सही कैसे टू वन द टू 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 द फोर टू थ्री सिक्स तो आंसर क्या आया है ट्वेंटी थ्री आया है तो यहाँ मैं लिखूंगी कि एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल इक्वल है ट्वेंटी थ्री के तो यहाँ काम कर लेते हैं क्या होगा एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल इक्वल हमारे पास है ट्वेंटी थ्री अब हमें जो है यही फाइंड करना था हम क्या करेंगे इसको हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे तो लिख लेते हैं नाउ पुटिंग इन इक्वेशन वन ठीक है हम जो इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे और इक्वेशन नंबर वन हमारी क्या थी इक्वेशन नंबर वन हमारे पास है कि एल क्यू प्लस एम क्यू प्लस एन क्यू माइनस थ्री एल एम एन ये लिख लेते हैं यहाँ पे पहले एल क्यूब प्लस एम प्लस एन क्यू माइनस थ्री एल एम एन इक्वल किसके इक्वल है सेवन ऐसे ही लिखा हुआ है सेवन लिखेंगे फिर क्या बना हुआ है ब्रैकेट बना हुआ है ब्रैकेट लिखा उसके बाद क्या लिखा है थ्री माइनस और फिर एल एम एम एन एन एल की जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो ले देंगे तो यहाँ पर क्या है थ्री लिखा हुआ है माइनस है तो हमने लिखा थ्री माइनस अभी हमने फाइंड की वैल्यू क्या आई है आंसर हमारे पास आया था ट्वेंटी थ्री तो हम जो है एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल की जगह लिख देंगे ट्वेंटी थ्री ठीक है अब बस हमें बस सिम्प्लीफिकेशन करनी है और कुछ नहीं करना तो यहाँ पे ये हो जाएगा एल क्यू प्लस एम क्यू प्लस एन क्यू माइनस थ्री एल एम एन इक्वल सेवन ऐसे ही आया थ्री माइनस ट्वेंटी थ्री कितना होगा प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है हम वो लगाते हैं ट्वेंटी थ्री माइनस थ्री आंसर आएगा हमारे पास ट्वेंटी अब हम क्या करेंगे जब हम इसको सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस थ्री एल एम एन इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस माइनस सेवन टू द फोर्टीन और जीरो का ज़ीरो मतलब आंसर हमारे पास आ गया है वन फोर्टी और ये हमने एक्सरसाइज फोर पॉइंट टेन का क्वेश्चन नंबर नाइन जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था वो भी हमने जो है सोल्व कर लिया है ज़रा इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा ये थोड़ा सा चेंज ये था कि इसमें जो है हमें एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू भी गिवन थी और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की भी गिवन थी तो हमने क्या किया कि यहाँ जो है तमाम वैल्यूज़ को पुट किया हमें जो है एल एम एम एन प्लस एन एल की वैल्यू नहीं मालूम थी तो हमने क्या किया कि पहले माइनस का साइन कॉमन लिया है ताकि वो प्लस में हो जाए हमने ये काम क्यों किया है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी के उस फॉमूले में यहाँ पे जो है प्लस के होते हैं साइन ना तो इस वजह से हमने माइनस के साइन को कॉमन लिया था माइनस के साइन को कॉमन लेने के लिए हमने क्या किया स्क्रिंग ऑन बोथ साइड की उसके बाद जो है हमने वेली इसको पुट करके एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल की वैल्यू फाइंड कर ली है और फिर हमने जो है सो एक क्वेश्चन नंबर वन में रखा थ्री से माइनस किया तो ये माइनस ट्वेंटी आया उसको सेवन से, से मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है एल क्यूब प्लस एम क्यू प्लस एन क्यूब माइनस थ्री एल एम एन हमारे पास जो है आंसर आ चुका है अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम या कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए अल्लाह हाफिज़